आज हम बात करेंगे लंग फाइब्रोसिस की या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। आजकल ये शब्द हमें बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि कोविड के बाद देखा गया है कि कई लोगों के लंग्स सिकुड़ने शुरू हो गए और तब हमें पता लगा कि लंग फाइब्रोसिस कोविड के इन्फेक्शन के बाद भी हो सकती है। तो ये लंग फाइब्रोसिस आखिरकार होती क्या है? लंग फाइब्रोसिस एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक मैनिफेस्टेशन है जो कि लंग्स में हमें दिखती है। मतलब कि लंग्स जो होते हैं छोटे और सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स को जनरली खांसी रहती है कई सालों तक, जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, या फिर उन्हें सांस लेने की दिक्कत होती है, वीकनेस रहती है, कुछ भी काम ना कर पाना, थक जाना, जरा सा चलते में ही खांसी आ जाना, इस तरह के लक्षण होते हैं जो कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। जनरली ये बीमारी जब डायग्नोज होती है तो काफ़ी एडवांस स्टेज में पता लगती है और हम लोग पेशेंट्स को फिर इवेल्यूएट करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, मतलब कि एक बीमारी नहीं है जो कि लंग फाइब्रोसिस करती है, मल्टीपल बीमारी हैं जो कि एक डॉक्टर को इवेल्यूएट करनी होती है। तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट को दिखाना होता है जो कि इन बीमारियों को समझ सके और इनका इलाज करना जानता हो। हम लोग जनरली आपको इवेल्यूएट करते हैं कि कहीं कोई आपकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड तो नहीं हो रही लंग फाइब्रोसिस, या फिर आपको कोई दवाई तो नहीं दी गई, कोई ड्रग एक्सपोजर तो नहीं है, या फिर कुछ सिस्टमिक बीमारियाँ होती हैं जैसे कि सार्कोइडोसिस होती है या SLE होती है, ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जो कि लंग फाइब्रोसिस करती हैं, प्लस कुछ और ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं। इसकी डायग्नोसिस भी इतनी कठिन नहीं है, अगर आप एक एक्सपर्ट के पास हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, आपके लंग्स के टेस्ट कराने पड़ते हैं जिसमें कि लंग फंक्शन टेस्ट होता है। लंग फंक्शन टेस्ट में हम इंसान का लंग्स की कैपेसिटी चेक करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये बीमारी लंग्स की सिकुड़न करती है तो लंग्स की कैपेसिटीज़ कम हो जाती है, और CT स्कैन करते हैं। कुछ लोगों में ब्रोंकोस्कोपी या बायोप्सी भी करनी पड़ती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि ये कौन सी बीमारी है, किस वजह से फाइब्रोसिस हो रही है, और हम आपको ट्रीटमेंट पर रखते हैं। जनरली देखा गया है कि कई लोगों में इसका आउटकम बहुत अच्छा होता है और उनको बहुत सालों तक एक अच्छी लाइफ मिल जाती है। लंग फाइब्रोसिस काफ़ी ख़तरनाक है, इलाज के बावजूद भी ये आगे बढ़ सकती है। आजकल इन बीमारियों में लंग ट्रांसप्लांटेशन भी एक ऑप्शन है। तो मेरा ये कहना है कि इस जैसे भी आपको अनएक्सप्लेन्ड कॉफ हो रहा हो या सांस फूल रही हो, आपको पता ना हो किस वजह से हो रहा है, तो प्लीज़ अपने लंग्स का चेकअप जरूर कराइए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.